गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं संजय पांडे, केमिस्ट्री टीचर। आपको मैं डेली यूट्यूब के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से अपना ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। बच्चों, मैं आपको एक नोटिस दूंगा। जो बच्चे पुराने हैं और नए बच्चे भी हैं, है ना, और वो वीडियो नहीं देख पाए हैं, तो एक काम करिएगा, आपको मैं एक लिंक बता रहा हूँ। अब आपने YouTube चैनल में जब जाएंगे लिंक में, तो आप लिंक को टच ना, आप ढूंढने की आवश्यकता थोड़ा पड़ेगी, लेकिन आप क्या करिए कि केमिस्ट्री भाई संजय पांडे डालेंगे। केमिस्ट्री भाई संजय पांडे अगर डाल देंगे आप, केमिस्ट्री भाई संजय पांडे, और किसी किसी वीडियो में संजय कुमार पांडे लिखा हुआ है, यदि आप इतना सेलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको यह वीडियो दिख जाएगा। तो बच्चों, आप यदि मान लीजिए पुराना वीडियो नहीं देख पा रहे हो, नहीं मिल पाया हो, तो आप इसके माध्यम से क्या करेंगे, केमिस्ट्री भाई संजय पांडे या केमिस्ट्री भाई संजय कुमार पांडे के नाम से अगर सर्च करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको वीडियो मिल जाएगी। आप उसको अच्छे से अध्ययन करिए, और यदि जो नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। इसके बाद आप तो जानते ही हैं, अपने रीवा ज़िले में COVID-19 का केस इतना हाई हो गया है कि एक महामारी का रूप धारण कर लिया है, और यदि इस महामारी से अपन लोगों को बचना है तो लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि आज पुनः एक आदेश आया कि यदि स्कूल कॉलेज तो नाम था, कोचिंग का भी नाम आ गया है, स्कूल कॉलेज और कोचिंग ऑफलाइन स्टडी नहीं करा सकेंगे। तो अब आपको भरपूर उपयोग करना है, यदि आप चाहते हैं कि हम लॉकडाउन का पालन करें और इस समय का एकदम आनंद लें, तो आप अपने पढ़ाई में लगा दीजिए। और यह मत सोचिएगा कि जीरो सेशन हो जाएगा, स्कूल नहीं खुलेगी, ऑनलाइन ही स्कूल चलेगी, ये मान के चलिए, और पेपर आपका निश्चित रूप से होगा। तो आप के लिए एक बेहतर और एक आसान उपाय है कि या तरीका है कि आप ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे होंगे। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आप ऑनलाइन का क्लास ले रहे होंगे, पढ़ते होंगे, और एक ना एक दिन आप अच्छे और सफल व्यक्ति बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप नियम का पालन करिए, निश्चित रूप से आप सफलता हासिल करेंगे। आप तो जानते ही, 12वीं का रिजल्ट आया, अच्छा से अच्छा परसेंटेज आया, और मैं आपको बताना चाहूँगा, केमिस्ट्री में आउट ऑफ 100 जो होता है, तो हम इसको क्या बोले हैं, आउट ऑफ 100 में 94 मार्क्स, 92 मार्क्स, 93 मार्क्स मैं अपने कोचिंग से दिया हूँ। तो यदि आप चाहते हैं, यदि आप मेरा साथ देंगे, तो निश्चित रूप से आपको 100 में 100 हम देने की कोशिश करेंगे। हमारी पूरी सी पूरी पूरा सा पूरा सहयोग रहेगा, मार्गदर्शन रहेगा कि आप 100 को क्रॉस 100 में मतलब पहुंच जाएं। और इसमें से 100 जो बच्चों आपको जो मैं कह रहा हूं, इनमें से क्या होगा, 70+30 है, यानी 70 में 70+30 आपका स्कूल का रहेगा, स्कूल के टीचर देते हैं, यानी टोटल क्या हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। तो हम अवश्य प्रयास करेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स दिलाने के लिए, जो आपका क्वेश्चन आएगा निश्चित रूप से उसका जवाब दिया जाएगा, रिप्लाई किया जाएगा। तो यदि आप मेहनत करते हैं और मेरा साथ देते हैं, तो निश्चित रूप से हम आपको एक अच्छे मंजिल के वे पहुंचा देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, मैं आप इसके बारे में बताया, आपको थोड़ा समझ गए होंगे, और आप चलिए, क्योंकि ये अभी का रिजल्ट आया है, इस 2020 का, यानी 2020 का जो रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, और कोशिश करिए कि आप लोग भी अच्छा से अच्छा रिजल्ट पाएं। ठीक है बच्चों, चलिए अपने क्लास में, चैनल का मैंने आपको नाम बता दिया, केमिस्ट्री भाई संजय पांडे के नाम से सर्च करेंगे तो आपको इस तरह से वीडियो मिल जाएंगे, शुरू से मिल जाएगा आज तक का। चलिए आज हम बात करते हैं एजियोट्रॉफ, स्थिरक्वाथी मिश्रण, और स्थिरक्वाथी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉफ, यानी एजियोट्रॉफिक मिक्सचर, और एजियोट्रॉफिक मिक्सचर को एक दूसरे नाम से जाना जाता है, एजियोट्रॉफ। क्या है, एजियोट्रॉफ। चलिए इसकी डिफिनेशन क्या होगी, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। एक ग्रीक शब्द एजियोट्रॉफ जो होता है, एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है बिना परिवर्तन के उबलना, बॉइलिंग विदाउट चेंज, बॉइलिंग विदाउट चेंज, यानी बिना परिवर्तन के उबलना।
कहने का मतलब है एजियोट्रॉफ एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है बिना परिवर्तन के वलना, बॉलिंग विदाउट चेंज। तो अब आगे क्या होगा, डिफिनीशन क्या होगी, तो इसकी डिफिनीशन आपको यदि लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, मैं आपको डिफिनीशन बोल रहा हूँ, आप रेडी हो जाइए और डिफिनीशन आप लिख लीजिए। तो लिखिए, द्रवों का ऐसा मिश्रण जो शुद्ध द्रव के समान, द्रवों का ऐसा मिश्रण जो शुद्ध द्रव के समान एक स्थिर या निश्चित ताप पर उबलता है, एक स्थिर या निश्चित ताप पर उबलता है, एक स्थिर या निश्चित ताप पर उबलता है, इसकी वाष्प एवं द्रव दोनों प्रावस्थाओं का संगठन, इसकी वाष्प एवं द्रव दोनों प्रावस्थाओं का संगठन एक समान होता है। क्या क्या बोला उन्होंने, वाष्प एवं द्रव दोनों प्रावस्था यानी दोनों जो प्रावस्था फेज होती है दोनों का संगठन क्या होता है, एक समान होता है, दोनों प्रावस्थाओं का संगठन समान होता है, इसे ही स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। डिफिनेशन समझ में आ गए बच्चों, इसे ही स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। ठीक, द्रवों का ऐसा मिश्रण जो शुद्ध द्रव के समान एक निश्चित ताप पर उबलता है, इसकी वाष्प एवं द्रव दोनों प्रावस्थाओं का संगठन समान होता है, जिसे स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों, ये रहा आपका एजियोट्रॉफ। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एजियोट्रॉफ को दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड टू टाइप्स, यानी एजियोट्रॉफ को हम क्या करेंगे, दो प्रकार के रूपों में या दो भागों में डिवाइड किया गया है, टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉफ को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला पॉइंट होता है आपका निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण और दूसरा पॉइंट होता है उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण। चलिए देखते हैं निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है। पहला पॉइंट होगा आपका निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण, निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिनिमम, निम्न है ना, तो आप उसको लिख लीजिएगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ। इसके बाद क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट होगा उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ, ठीक, निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण और उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण एजियोट्रॉफ। ठीक, चले बच्चों पढ़ते हैं क्या होता है, इसको ई लगा लीजिए, इसमें क्या होता है, मैं आपको एक लॉजिक के माध्यम से इसको पढ़ाऊंगा, इसकी डिफिनीशन आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। ये धनात्मक विचलन क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन का वह संगठन जिसका वाष्प दाब उच्चतम एवं क्वथनांक न्यूनतम होता है।
वाष्प दाब उच्चतम होगा, वाष्प दाब क्या होगा उच्चतम, और क्वथनांक, क्वथनांक क्या होगा निम्नतम। देखिए स्थिर क्वाथी मतलब हम इसकी फर्स्ट डिफिनीशन बात कर रहे हैं, फर्स्ट डिफिनीशन की क्या बात हो रही है, ये फर्स्ट है और फर्स्ट क्या बोलते हैं मिनिमम, मिनिमम मिनिमम बॉलिंग एजियोट्रॉफ, ठीक। ये फर्स्ट में क्या कहा इन्होंने, मतलब धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, विलयन का वह संगठन जिसका वाष्प दाब क्या होगा उच्चतम और क्वथनांक क्या होगा निम्नतम होगा। तो ये कहाँ से निकल के आया, देखिए थोड़ा वेपर प्रेशर तो आपको याद रखना है, वेपर प्रेशर हाई रहेगा और लेकिन क्वथनांक क्या होगा हमारा निम्नतम, यही आपका क्वथनांक है, चूंकि निम्न से ही बना है निम्नतम यहाँ पर लिखा हुआ है। यदि आपको डिफिनेशन भूलती भी है तो लॉजिक के माध्यम से इतना याद रखिए, दो पॉइंट आपको नहीं बोलना चाहिए, वाष्प दाब और क्वथनांक। तो यानी वाष्प दाब क्या होगा पहले उच्च होगा और क्वथनांक क्या होगा निम्न होगा। मान लीजिए भूल क्यों गया, तो एक उच्च और एक निम्न, उच्च कौन होगा तो वाष्प दाब उच्च रहेगा और क्वथनांक हमारा निम्न रहेगा। मान लीजिए यही भूल गया कि यहाँ पे आप क्वथनांक उच्च कर दे तो आप ये लिखा हुआ पहले नंबर पे निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण, ठीक है बच्चों, निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण पहले भी लिखा हुआ है, तो आप समझ गए होंगे निम्न से निम्नतम भी बनता है, ऐसा नहीं है, निम्नतम हो सकता है निम्नतम क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण या निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण। समझ में आ गया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। यदि आपको डिफिनेशन भूल जाती है तो इतना ध्यान रखना है, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। वेपर प्रेशर क्या होगा हाई रहेगा और क्वथनांक क्या रहेगा निम्नतम। अगर इसको आपको दिक्कत हो तो मैं आपको एरो के चिन्ह के रूप में ऐसे बना देता हूँ, यदि ज़्यादा है तो ऊपर और कम है तो नीचे, ठीक है। डिफिनेशन समझ में आ गई, तो क्या होगा धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन जिसका संगठन वाष्प दाब उच्चतम तथा क्वथनांक निम्नतम होता है और स्थिर क्वाथी मिश्रण यदि निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं, गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर शुद्ध द्रव के समान संगठन में परिवर्तित हुए बिना आश्वित हो जाते हैं, निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। ये डिफिनेशन समझ में आ गए बच्चों, मैं इतना पॉइंट जो मेन जरूरी है मैंने आपको लिख दिया, अब इसके आधार पर आप समझ जाइएगा एरो का चिन्ह ऊपर और एरो का चिन्ह नीचे, क्यों, क्योंकि ये वाष्प दाब हमारा हाई है और क्वथनांक हमारा निम्न है, ठीक। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल में क्या होगा बच्चों, देखिए एग्जाम्पल में क्या होगा, एक बात आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल याद करने के लिए आपको एल्कोहल शब्द का यूज करना है, H2O plus C2H5OH, पहला एग्जाम्पल है H2O plus C2H5OH, C2H5OH का नाम बच्चों सुना है क्या आपने, ये एल्कोहल है, शराब जिसको बोलते हैं, 95.4% क्या होता है एल्कोहल होता है, इसमें याद रखना है एथेनॉल होता है, कितना एथेनॉल, एथेनॉल कितना 95.4% क्या होगा इसमें एथेनॉल होता है। तो आपका एग्जांपल पहला एग्जांपल था H2O plus C2H5, दूसरा एग्जांपल लिखिए बच्चों क्या होगा, क्लोरोफार्म प्लस एथिल एल्कोहल, क्लोरोफार्म का सूत्र बताइए CHCl3 प्लस C2H5OH, इसमें जो एल्कोहल होगा बच्चों तो इसमें कितना परसेंट होगा 68% एथेनॉल रहेगा, कितना 68% एथेनॉल, ठीक है। इसके बाद तीसरा एग्जांपल जो होगा आपका ये होगा एसीटोन का नाम सुने हैं बच्चों, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन का सूत्र नाम सुने हैं CH3CO CH3 प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, इसमें अच्छा एसीटोन का सूत्र आप देख लीजिए, इसी प्रकार से सूत्र होते हैं, इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, 67% CH2 यानी 67% क्या हो जाएगा 67% CH2 यानी कार्बन डाई सल्फाइड, याद है आपको
कार्बन डाइसल्फाइड का, ये CH2 का नाम होता है कार्बन डाइसल्फाइड, एस है इस कारण से मैं एस डाई बोल रहा हूँ, एस दो है इस कारण से डाई बोल रहा हूँ, ठीक है, ये सी का मतलब कार्बन होगा। और चौथा आपका एग्जाम्पल होगा बेंजीन प्लस एल्कोहल, बेंजीन का सूत्र क्या होगा C6H6 + C2H5OH। इसमें बच्चों एथेनॉल कितने परसेंट होगा, तो बहुत ही कम यानी कि 32.4%, 32.4% क्या होगा एथेनॉल होगा, क्या होगा बच्चों एथेनॉल होगा, ठीक आया समझ में क्या। देखिए H2O plus ethyl alcohol यानी C2H5OH, ये दोनों सूत्र हैं, इसी प्रकार क्लोरोफार्म ये है और आपका इधर क्या है C2H5OH यानी एल्कोहल है, ये आपका एसीटोन है, यदि आपको दिक्कत हो रही हो तो मैं नाम लिख देता हूँ, इसका नाम क्या होगा एसीटोन, ठीक, या कीटोन, इसको क्या बोलते हैं क्लोरोफार्म, ठीक, इसका तो नाम जानते हैं C6H6 बेंजीन। चले मैं आपको नाम भी बता दिया बच्चों, तो ये आपका रहा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, यानी कहना चाहिए निम्नतम क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो समझ में आ गया बच्चों, आपको दो पॉइंट याद रखना है, कौन कौन से, बाफ दाब उच्चतम और क्वथनांक क्या होगा निम्नतम होगा, उसे हम क्या बोलेंगे निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया, ये दो आप इसको हमेशा याद रखना, किसको, इस पॉइंट को, ये आपका मान के चलिए फार्मूला ही लिखा हुआ है, बाफ दाब उच्च रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे और क्वथनांक निम्न रहेगा तो इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। चलिए दूसरा पॉइंट बात करते हैं, इसको मिटा दूं बच्चों, मिटा दूं क्या, मिटा देते हैं, मिटा देते हैं इसको हम, थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि इसके आधार पर आपको क्या कर देंगे, इसकी पिक भी मैं आपको दे दूंगा, इसका जो कहना चाहिए इसकी डिफिनीशन मैं आपको स्क्रीन में दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट होता है आपका उच्चतम क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण, यानी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम की तो बात हो चुकी, मैं इसको मिटा देता हूँ, दूसरा पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक बच्चों समझ में आ गया। चलिए इसके भी डिफिनीशन देखते हैं, ये पॉजिटिव डेविएशन था, क्या था पॉजिटिव डेविएशन, ये क्या होगा निगेटिव डेविएशन होगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन का वह संगठन, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन का वह संगठन जिसका बाष्पदाब यहां उच्च है तो क्या हो जाएगा निम्नतम, जिसका बाष्पदाब निम्नतम और क्वथनांक क्या हो जाएगा बच्चों इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी क्वथनांक क्या होगा उच्चतम हो जाएगा, क्वथनांक उच्चतम हो जाएगा, उच्चतम, ठीक, डिफिनीशन निकल के आ गई बच्चों समझ में आ गया, उच्चतम का मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर मैंने लगा देता हूं, ये आपकी डिफिनीशन आ गई, ठीक है समझ में आ गया। तो डिफिनीशन क्या होगी देख लीजिएगा, निगेटिव डेविएशन ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन जिसका संगठन या विलयन का वह संगठन जिसका बाष्पदाब निम्नतम एवं क्वथनांक उच्चतम होता है, बाष्पदाब हमारा निम्नतम होगा मतलब नीचे कम है और क्वथनांक उच्चतम होता है यानी उसको हाई है, और ऐसे मिश्रण गर्म करने पर एक निश्चित
ताप पर शुद्ध द्रव के समान संगठन में परिवर्तित हुए बिना आष्पित हो जाते हैं। यानी कहना चाहिए ऐसे मिश्रण को जब गर्म किया जाता है तो एक निश्चित ताप पर शुद्ध द्रव के समान संगठन में यानी द्रव के समान संगठन में परिवर्तित हुए बिना क्या हो जाते हैं, सीधे आष्पित हो जाते हैं। और इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है इसे निम्नतम सॉरी उच्चतम क्वथन स्थिर क्वाथे मिश्रण कहते हैं। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन जिसका संगठन बाष्पदाब निम्नतम क्वथनांक उच्चतम होता है और इन्हें गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर द्रव में बिना परिवर्तित हुए सीधे आष्पित हो जाते हैं, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप यानी उच्चतम क्वथन स्थिर क्वाथे मिश्रण कहते हैं। क्या समझ में आ गया कि नहीं? आपको कॉन्सेप्ट में दे दिया हूँ, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप डिफिनेशन को कभी नहीं भूलेंगे और न कहीं किसी बुक में लिखा हुआ है न कोई अभी तक ये बताया। मैं आपको लॉजिक के माध्यम से बता दिया, आप सिर्फ इतना याद रखेंगे और अगर मान लीजिए कंपटीशन में पूछा जाता है तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है? इतना याद रखोगे तो निश्चित रूप से बन जाएगा। एग्जाम्पल की बात करता हूँ, एग्जाम्पल देखिए क्या है, एल्कोहल प्लस। एक बात आपको बताने के लिए मैंने भूल गया था पिछले वाले भी पिछले मतलब कहना चाहिए कि निम्न क्वथन स्थिर क्वाथे मिश्रण में, अभी मैं बता देता हूँ, जितने भी उसमें एग्जाम्पल हैं सभी में देखिए एल्कोहल है। यानी याद रखना है आपको कि एल्कोहल प्लस अदर कोई कंपाउंड रहता है तो हमारा क्या होगा, वह है निम्नतम क्वथन स्थिर क्वाथे मिश्रण वाला होगा। और जब एसिड की बात आ जाएगी, अम्ल की बात आएगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अम्ल रहेगा और कोई अदर कंपाउंड रहेगा तो हमारा क्या होगा, उच्चतम क्वथन स्थिर क्वाथे मिश्रण। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं आया? तो इसको भी सिर्फ ध्यान देना है आपको। चलिए मैं बताता हूँ, H2O प्लस HNO3, H2O प्लस HNO3, तो इसमें क्या करेंगे आप, अम्ल की बात हो रही है तो अम्ल में क्या होगा, 68% नाइट्रिक एसिड, 68% क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। ठीक बच्चों, नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। इंग्लिश में लिख लेना है, ये दिक्कत हो तो मैं लिख दूं। फिर आगे देखिए क्लोरोप्लाम प्लस एसीटोन। क्लोरोप्लाम का सूत्र बताओ बच्चों, CHCl3 प्लस एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। तो इसको क्या करेंगे, एसीटोन कितने परसेंट पाया जाता है बच्चों, इसमें 20% एसीटोन रहता है। कितने रहता है, 20% एसीटोन। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? चलिए अच्छी बात है, समझ में आ रहा है तो लॉकडाउन का भरपूर आप उपयोग कर रहे हैं, आपके साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं। चलिए तीसरा एग्जाम्पल क्या होगा, क्लोरोफॉर्म प्लस मेथिल एसीटेट। अभी आपने एसीटोन पढ़ा, अब मेथिल एसीटेट की बात करेंगे। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होगा, CHCl3 प्लस मेथिल एसीटेट CH3COCH3। मतलब ये मेथिल हो गया एसीटेट। बच्चों आप परेशान मत होइएगा, मैं आपको एकदम बेहतर तरीका सिखाऊंगा, ट्रिक बताऊंगा कि फार्मूला कैसे बनाया जाता है, सूत्र कैसे बनाया जाता है, याद कैसे किया जाता है। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहुँचेंगे आपको और बेहतर से बेहतर आपको मैं लॉजिक के माध्यम से बताऊंगा, तो उसमें आप परेशान मत होइएगा। CH3COCH3, इसका नाम क्या होगा, मेथिल है, मेथिल एसीटेट हो जाएगा। और मेथिल एसीटेट कितने परसेंट है बच्चों, तो बता दीजिए इसमें 23% मेथिल एसीटेट है। कितने हैं, 23% क्या होगा, मेथिल एसीटेट। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। एक एग्जाम्पल और बचा है, इसको भी आप लिख लीजिए, पानी प्लस एसिड। पानी, पानी का सूत्र कौन बताएगा, H2O प्लस, और एसिड क्या है, HCl एसिड है। इसमें एसिड की मात्रा कितनी है बच्चों, तो एसिड की मात्रा इसमें है 20.2% हाइड्रोजन क्लोराइड, 20.2% हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोराइड।
22.2% हाइड्रोजन क्लोराइड। दिख रहा है बच्चों क्या? आप देख लीजिएगा, अगर ना दिखता होगा तो कहो तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, तो आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको क्या लिख दिया, ये इनकी प्रतिशत मात्रा बता दिया। अभी इसके पहले मैंने बात किया था कि जो हमारा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ था, उसमें क्या था, सभी में एल्कोहल की मात्रा थी और हाइएस्ट मात्रा में थी, यानी ज़्यादा मात्रा में थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट में, यानी कि उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, एसिड है। तो थोड़ा आप अगर मान लीजिए कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, आप पहचानने का तरीका पूछा जाता है कि कौन सा एजियोट्रॉप, मतलब कौन सा निम्नतम क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण है और कौन उच्चतम क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण है, कौन मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ है, कौन आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ है, तो ये थोड़ा पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से हमने आदर्श और अनादर्श विलयन भी बताया था कि कौन एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल आदर्श विलयन का होगा और कौन सा एग्जाम्पल अनादर्श विलयन का होगा, तो मैं इसके बारे में बताया। डिफिनीशन आपके क्या समझ में आ गई, कोई बताइए, कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जवाब और अच्छा से बेहतर मिलेगा। आप अगर कोई कमेंट्स नहीं करोगे तो उसमें क्या होगा कि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको बताना क्या है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जीरो लेवल पर पढ़ाते हैं, कि यानी जिसको कुछ भी नहीं पता है तो धीरे से पढ़े और निश्चित रूप से सफल हो पाएगा, ठीक है। नाम अगर आपको दिक्कत हो तो नाम यहाँ पर लिख देते हैं, इसका नाम क्या होगा बच्चों, देखिए CH3COCH3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, मेथिल है ना, तो मेथिल है तो मेथिल एफिटेट हो जाएगा, यहाँ पे एथिल होगा तो एथिल एफिटेट, अगर मान लीजिए यहाँ पे C2H5 हो जाता तो एथिल एफिटेट, यदि मान लीजिए यहाँ पे Na हो जाता तो सोडियम एफिटेट, यदि मान लीजिए K हो जाता तो पोटेशियम एफिटेट। आ रहा है क्या समझ में, ये देखिए एक सूत्र से मैंने कई सूत्र बता दिया, सिर्फ आपको मैं लॉजिक बताऊंगा, निश्चित रूप से आप क्या होंगे, सफल हो जाएंगे, CH3COCH3COCH3COCH3। देख रहे हैं, एक सूत्र से मैंने कई सूत्र का नाम बता दिया, अगर ये मेथिल है तो आप क्या बोलेंगे, मेथिल एसीटेट, एसीटेट, ठीक। और यदि मान लीजिए ये एथिल है तो क्या यहाँ पे लिखेंगे, एथिल लिखेंगे, बाकी आपका एसीटेट वही होगा, एथिल एसीटेट। और यदि मान लीजिए सोडियम है तो क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट, ठीक। अगर पोटेशियम है तो पोटेशियम एसीटेट। क्या समझ में आ रहा है, ये आपका सूत्र बनाने का तरीका, सीखने का तरीका, समझने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, तो इतना याद रखना है आपको, थोड़ा सा अगर आप मेरा साथ देंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे मंजिल में, अच्छे स्थान तक मैं आपको पहुँचाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये देख लीजिए, एक सूत्र से मैंने कई सूत्र बता दिया, तो ये कहाँ था, ये एथिल एसीटेट। ये बच्चों आपका क्या है, इसको लिखने का तरीका कई तरह का हो सकता है, कीटोन है वो, CH3 का होल ट्वाइस CO भी आपके बुक में लिखा हुआ है, और इसको हम कैसे CH3CH3CO, यानी ये भी कीटोन है और ये भी कीटोन है, इसको क्या बोलते हैं, एसीटोन, ये दोनों एसीटोन है। इसको एक नाम और होता है, डाई मिथिल कीटोन भी कह सकते हैं, क्या कहते हैं, डाई मिथिल कीटोन, क्यों कहे गए डाई मिथिल कीटोन, दो ठो मिथिल समूह है, इसका फिर डाई मिथिल कीटोन कहेंगे। और इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम क्लोरोफार्म है, क्लोरोफार्म, और किसका नाम पूछना है आपको, इसका भी नाम वही क्लोरोफार्म मिल जाएगा। इसका नाम तो जानते होंगे, HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, और क्या नहीं समझ में आ रहा है, HCl का नाम लिखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये रहा है आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, और अब आपके इस चैप्टर में मतलब कहा जाए कि एक या दो टॉपिक बचा हुआ है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। समझ में आया कि नहीं ये बताइए पहले, समझ में आ गया है ना, तो ठीक, अच्छी बात है। दो पॉइंट ध्यान रखना है, बाफ दाब उच्चतम, क्वथनांक निम्नतम रहेगा तो क्या होगा, ये निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाएगा, और जिसी तरह से मान लीजिए हम इसकी बात करते हैं उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण, तो देखिए यहाँ पे क्या लगाया मैंने, बाफ दाब क्या किया, निम्नतम, और क्वथनांक हमने क्या कर दिया, उच्चतम कर दिया। तो इतना तो पहले से याद रखिए कि अगर एक आप याद कर लीजिए उसी का अपोजिट कर दीजिए, अगर आप निम्न की बात कर रहे हैं तो वाफदाब उच्चतम और क्वथनांक निम्नतम, इतना आप याद कर लीजिए, और जब आप दूसरे की बात करने लगे तो इसी का अपोजिट कर दीजिए, यहाँ पे वाफदाब उच्चतम है तो निम्नतम कर दिया, और यहाँ पे क्वथनांक निम्नतम है तो
क्वथनांक उच्चतम कर दिया, यानी हाइएस्ट कर दिया। तो ये रहा है आपका एजियोट्रॉप स्थिरपाती मिश्रण। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा और अच्छे से वीडियो देखिए। यदि आपको अच्छा लगता है अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। आप सभी का स्वागत है। चलिए आज कितना ही, थैंक यू।